सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ पिक्सआर्ट एप्लीकेशन की मदद से दोस्तों कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग, जैसा कि दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए कुछ इस टाइप का जो फोटो एडिटिंग लेकर के आया हूँ। तो इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ कि इस फोटो को कैसे एडिट करना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लेना, और दोस्तों वीडियो को भी लाइक कर देना। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। गाइस, यहाँ पर पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आप लोगों को आ जाना है। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दिया है, वहाँ से जाकर के आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बैकग्राउंड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, उस पर क्लिक करके यहाँ पर आप लोगों को बैकग्राउंड च्वाइस कर लेना है। मैं यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड च्वाइस कर लेता हूँ, और दोस्तों यहाँ से जो क्रॉप करके जो बैकग्राउंड का साइज है वो यहाँ पर फिक्स कर लेता हूँ, और ऊपर से टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद दोस्तों फिर से जाना है अपने टूल पर, और यहाँ पर जो दोस्तों आप लोगों का साइज है वो आप लोगों को पिक्सल्स जो बैकग्राउंड के हैं वो आप लोगों को फिक्स कर लेने हैं। तो दोस्तों पिक्सल्स फिक्स इसलिए करते हैं क्योंकि दोस्तों अगर पिक्सल्स फिक्स नहीं करोगे तो जो आप लोग इसमें एडिट करोगे अपने PNG वगैरह जो फ़ोटो आप लोगों को ऐड करके जो आप लोग फ़ोटो एडिट करोगे वो दोस्तों उसके पिक्सल्स फटने लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ से अपने पिक्सल्स को आप लोग सेट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से डन करने के बाद में यहाँ पर इस साइड स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में आप लोगों को ऐड फोटो पर जाना है। ऐड फोटो पर जाने के बाद में यहाँ से कुछ इस टाइप से ये बैकग्राउंड ले लेना है, और इसको इतना जूम करके कुछ रख लेना है, जैसा कि दोस्तों मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। इतना करने के बाद में ऊपर आप लोगों को टिक कर देना है। टिक करने के बाद में दोस्तों फिर से जाना है आप लोगों को नीचे से ऐड फोटो पर। ऐड फोटो पर जाने के बाद में किंग का PNG आप लोगों को ले लेना है, और दोस्तों आप लोग कुछ इस टाइप से बड़ा कर लेना है, मिडिल साइड में आप लोगों को रख लेना है। उसके बाद दोस्तों इस साइड स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर आप लोग ब्लेंड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, उस पर क्लिक करके इसको दोस्तों सेकंड टूल आप लोगों को देखने को मिल रहा है स्क्रीन, तो आप लोगों को स्क्रीन कर लेना है, और दोस्तों इसका साइज इतना ही रहने देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, यहाँ से मैं इसका साइज फिक्स कर लेता हूँ, और ऊपर से आप लोगों को टिक कर देना है। अब दोस्तों टिक करने के बाद में फिर से जाना है ऐड फोटो पर। ऐड फोटो पर जाने के बाद में दोस्तों आप लोगों को कुछ इस टाइप से इसको ले लेना है PNG को, और दोस्तों इसको बड़ा करके कुछ इस टाइप से रख लेना है। फिर से जाना है आप लोगों को ब्लेंड पर। तो दोस्तों यहाँ से मैं ब्लेंड पर जाता हूँ, और इसको भी स्क्रीन कर लेता हूँ, और इतना आप लोगों को साइज बड़ा करके रख लेना है, और दोस्तों ऊपर से आप लोगों को टिक कर देना है। इतना करने के बाद में दोस्तों अब अपने मॉडल को लाना है। तो यहाँ से मैं अपने मॉडल को लेके आता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को फोटो क्रॉप करना नहीं आता है तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दिया है, वहाँ से जाकर के आप लोग ये फोटो कटआउट करना सीख सकते हो। दोस्तों मैंने यहाँ पर पहले से ही कटआउट करके रख लिया था, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो अपना फ़ोटो क्रॉप किए हूँ तो उसमें आप लोग देख रहे हो कि कुछ दाग धब्बे से हैं, तो उसको हटा लेते हैं। यहाँ से ऊपर से इरेज करके कुछ इस टाइप से जो फ़ोटो पर जो सफ़ेद सफ़ेद था वो यहाँ से हटा लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को डन करने के बाद में कुछ इस टाइप से अपने फ़ोटो को बिठा लेना है, थोड़ा जूम करके और इस टाइप से बिठा लेना है मिडिल साइड में। दोस्तों मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को ऊपर से टिक कर देना है। टिक करने के बाद में दोस्तों आप लोगों को जाना है फिर से ऐड फोटो पर। ऐड फोटो पर जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ये वाला PNG ले लेना है। उसके बाद यहाँ से ऊपर से ऐड करना है। ऐड करने के बाद दोस्तों फिर से आप लोगों को ब्लेंड पर जाना है। ब्लेंड पर जाने के बाद में यहाँ पर फिर से स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद में दोस्तों आप लोगों को कुछ इस टाइप से इसको भी बिठा लेना है, तो मैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से बिठा लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग इरेजर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है ऊपर, तो यहाँ से आप लोगों को जो हेयर पर ये वाइट वाइट सा है तो इसको आप लोग इरेज कर लीजिए कुछ इस टाइप से। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को टिक कर देना है। टिक करने के बाद में दोस्तों आप लोगों को सिंपली करना क्या है कि यहाँ से आप लोगों को जाना है फिर से ऐड फोटो पर। ऐड फोटो पर जाने के बाद में दोस्तों यहाँ से आप लोगों को लाइट इफेक्ट पे जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ये वाला टूल ले लेना, ये वाला PNG ले लेना है। तो इसका मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ से दोनों को डुप्लीकेट करने के बाद में दोस्तों यहाँ से आप लोगों को फिर से जाना ब्लेंड पर। ब्लेंड पर जाने पर मल्टीपल कर लीजिएगा, इस वाले को भी मल्टीपल आप लोग कर लीजिएगा। ब्लेंड पर जाएंगे और फिर से मल्टीपल कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को कुछ इस टाइप से इसको यहाँ पर रख देना है, और इसको जूम कर लेना है। तो जूम करने के बाद में आप लोग कुछ इस टाइप से नीचे बिठा देना है, जैसा कि दोस्तों मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों आप लोग फिर से डुप्लीकेट ले लेना और इसको कुछ इस टाइप से बिठा देना है। इतना करने के बाद में दोस्तों आप लोगों को डन कर देना है। डन करने के बाद में दोस्तों
दोस्तों अब अपने जो इसमें टेक्स्ट आप लोगों को डालना है वो आप लोग टेक्स्ट भी डाल सकते हो। तो यहाँ से कुछ भी टेक्स्ट आप लोग डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम लवर डाल देता हूँ, आप लोगों को जो भी डालना है वो यहाँ पर आप लोग डाल सकते हो। तो इसको मैं जूम कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से, थोड़ा इतना करने के बाद दोस्तों आप लोगों को अब इंस्टाग्राम का एक PNG भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से जाते हैं और फिर आप लोगों को यहाँ से इंस्टाग्राम का PNG कोई ले लेते हैं। आप लोगों को जो भी कुछ लिखना है यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो। मैं एक सिंपली बता रहा हूँ कि आप लोगों को कैसे एडिट करना है। इतना करने के बाद में आप लोगों को यहाँ से डन कर देना है। डन करने के बाद में दोस्तों आप लोगों को फिर से जाना ऐड फोटो पर। ऐड फोटो पर जाने के फिर से किंग वाला PNG आप लोगों को ले लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जाना है ब्लेंड पर। ब्लेंड पर जाने के बाद में आप लोगों को फिर से स्क्रीन कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को कुछ स्टेप छोटा कर लेना है और यहाँ से कुछ स्टेप से बिठा देना है। इतना करने के बाद में आप लोगों को डन कर देना है। डन करने के बाद में फिर से आपको जाना है ऐड फोटो पर और ये वाला PNG ले लेना। दोस्तों यहाँ पर मैंने जितने भी PNG ऐड किए हैं फोटो और दोस्तों जो चीज़ यहाँ पर ऐड किए उसका मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग वहां से जाकर के सारे फोटो PNG बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों यहां से फिर से जाना है आप लोगों को ब्लेंड पर। ब्लेंड पर जाने के बाद स्क्रीन कर देना है और कुछ इस टाइप से अपने इस फोटो पर ये सब कर लीजिएगा। और दोस्तों यहां से इरेजर पर जाना है और जो फेस इस पर है तो उसको भी आप लोग कुछ इस टाइप से इरेज कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को डन कर देना है। डन करने बाद में दोस्तों आप लोगों को करना क्या है कि यहाँ से आप लोगों को ड्रा टूल पर जाना है। ड्रा टूल पर जाने के बाद में आप लोगों को सिंपली जाना है सेव पर। सेव पर जाने के बाद में आप लोगों को ये वाला सर्कल ले लेना है जिसका साइज आप लोग 5 रख लीजिएगा। ऊपर से आप लोग डन कर देना है। डन करने के बाद में यहाँ से आप लोगों को वाइट सर्कल ले लेना है और इस टाइप से आप लोगों को कर लेना है जैसा कि दोस्तों मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो इस टाइप से अपने फ़ोटो पर ये कर लीजिएगा। इस टाइप से आप लोगों को कर लेना। और दोस्तों यहाँ पर जाना इरेजर पर। इरेजर पर जाने के बाद में ये पार्ट है जो आप लोगों को लाइन सी दिख रही है वो यहाँ तक आप लोग इरेज कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को टिक कर देना है। अब दोस्तों आप लोगों को टिक करने के बाद में जो आप लोग देख सकते हो जो कलर अलर आप लोगों को एडजस्ट करना है। फेस आप लोगों को सैचुरेशन जो ब्राइटनेस है वो इसमें बहुत ज़्यादा है वो थोड़ा बहुत फिक्स कर लेते हैं। तो टूल पर जाना है आप लोगों को और यहाँ पर एडजस्ट पर जाना है। एडजस्ट पर जाने के बाद में आप लोग कुछ इस टाइप से यहाँ पर ब्राइटनेस वगैरह सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको इतना रख लेता हूँ। सैचुरेशन आप लोगों को देखने को मिल रही है, सैचुरेशन इंक्रीज कर देता हूँ। ह्यू आप लोगों को कुछ स्टेप्स इंक्रीज डिक्रीज करके देख लेना है। ब्राइटनेस आप लोग देखने, कंट्रास्ट आप लोग कुछ इंक्रीज डिक्रीज करके देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप लोग टिक कर देना है। टिक करने के बाद में दोस्तों आप लोग सिंपली जाना है ड्रॉ वाले टूल पर। यहाँ से मैं ड्रॉ वाले टूल पर जाता हूँ और यहाँ से अपने इस फोटो को सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ से इस फोटो को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में दोस्तों अब इस फोटो को आप लोगों को स्नैपसीड एप्लीकेशन में ले जाना है क्योंकि दोस्तों वहाँ पे हल्का फुल्का आप लोगों को कुछ एडिटिंग कर लेना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को वहाँ पर दिखाता हूँ ले जा। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों को स्नैपसीड एप्लीकेशन में अपनी फ़ोटो लेकर के आ जाना है। फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर टूल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, उस पर क्लिक करके यहाँ पर टून इमेज पर जाना है। टून इमेज पर जाने के बाद में आप लोगों को ब्राइटनेस इतनी इंक्रीज कर लेनी, कंट्रास्ट आप लोगों को देखने को मिल हल्का सा कंट्रास्ट डाल लीजिए, सैचुरेशन आप लोगों को देखने को मिल रही सैचुरेशन आप लोग कुछ इस टाइप से रख लेना, एम्बियंस आप लोगों को कुछ इस टाइप से रख लेना है 30 के आसपास। और दोस्तों हाईलाइट है, हाईलाइट आप लोग कुछ इस टाइप से इंक्रीज डिक्रीज करके देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग शैडो देखने को मिल रहा है, शैडो आप लोग कुछ इस टाइप से 34 के आसपास रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप लोग वर्थ का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसको आप लोग 3 या 2 रख लीजिएगा। मैं यहाँ से इतना 5 रख लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को टिक कर देना। टिक करने के बाद में फिर से जाना टूल पर और यहाँ पर डिटेल्स पर जाना। डिटेल्स को आप लोग 50 रख दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप लोगों को टिक कर देना है। टिक करने के बाद में आप लोगों को जाना है यहाँ से फिर से टूल पर। टूल पर जाने के बाद में सेलेक्टिव को सिलेक्ट करके और आप लोगों को ब्राइटनेस है वो हल्का इंक्रीज कर लेना है, सैचुरेशन इंक्रीज कर लेना है और दोस्तों सैचुरेशन कंट्रास्ट वगैरह आप लोग यहाँ से इंक्रीज करके डन कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस टाइप से अपने फ़ोटो को आप लोग यहाँ से कुछ इस टाइप से एडिट कर सकते हो। अब दोस्तों इसमें करना क्या है कि आप लोगों को जो फेस स्मूथ करना है वो दोस्तों ऑटोडेस्क स्केच बुक से आप लोग स्मूथ कर लीजिएगा क्योंकि दोस्तों मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग वहाँ से जा करके इसका फेस जो है स्मूथ कर सकते हो।
गाइस यहाँ पर मैंने जितनी भी बैकग्राउंड पीएनजी और दोस्तों जो यहाँ पर आप लोगों को इंस्टाग्राम का लोगो देखने को मिल रहा है, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर ऐड की हैं उसका मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से जा करके आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हो सारी फोटोज़ को। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए अशोक एडिटिंग चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।